स्टार्ट विद द क्वेश्चन. कुरान में अक्सर मुकाम पर जहां नमाज का जिक्र है उसके साथ जकात का भी जिक्र आता है, इस पर कुछ रोशनी डालें, इसका कनेक्शन क्या है? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, एक तो तमाम दोस्तों को सलाम. और जब हम गौर व फिक्र करते हैं कुरान में मुख्तलिफ हिदायत पर, शरीयत के कवानीन पर, आफाकी उसूलों पर, तो हमें अल्लाह ताला की हिकमत का पता चलता है. जिस तरह मैंने आप लोगों को पिछले दो प्रोग्राम से पहले मेरे ख्याल में मैंने रमज़ान के तीन अशरे जो है क्यों डिवाइडेड है, इनका आपस में क्या कनेक्शन है, हमें पता चला कि मेरा रब जो कितना बड़ा हकीम है उसकी हिकमत कैसी है. तो इसी तरह ये जो जहां जहां कुरान में वकीमुस्सलात वतुज़्ज़कात, जहां नमाज का जिक्र है अक्सर मकाम पर ज़कात का भी जिक्र है, इन दोनों का कनेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है. आपको याद हो मैं बारह इस बात को कह चुका हूँ कि नमाज पढ़ने का जिक्र नहीं है, नमाज कायम करने का जिक्र है. To watch the complete video, subscribe to our official YouTube channel.